और आइए शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को किया गया सुपुर्द खाक, जनाजे में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। जनाजे की नमाज के बाद मुख्तार अंसारी को कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया, पिता और मां की कब्र के पास दफनाया गया। कब्रिस्तान में आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, कब्रिस्तान के बाहर भीड़ को रोकने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर भीड़ को समझाते दिखे मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी, लोगों से कब्रिस्तान के बाहर रहने की अपील की गई। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने भी लोगों से कब्रिस्तान के बाहर रुकने की अपील की। मुख्तार के जनाजे में शामिल हुए समाजवादी पार्टी नेता अंबिका चौधरी, मुख्तार को बताया गरीबों का मसीहा। मुख्तार अंसारी के जनाजे में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव भी पहुंचे, उनके साथ विधायक वीरेंद्र यादव भी मौजूद थे। पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो सका बेटा अब्बास अंसारी, सुप्रीम कोर्ट से जनाजे में शामिल होने के लिए अर्जी दाखिल की थी। मुख्तार के अंतिम संस्कार से ठीक पहले की तस्वीर आई सामने, फोटो में छोटा बेटा उमर दिखाई दे रहा है, पिता के पास खड़ा दिखाई दिया। अंतिम संस्कार से पहले शाहबुद्दीन का बेटा उसामा भी मुख्तार अंसारी के घर पहुंचा, शाहबुद्दीन और मुख्तार के थे करीबी रिश्ते। मुख्तार को दफनाने से पहले उनके घर के बाहर समर्थकों ने किया था हंगामा, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने समर्थकों को शांत कराया। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के चलते गाजीपुर में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती देखी, वाराणसी मंडल के सभी जिलों के पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्तार को दफनाने से पहले कब्रिस्तान में हथियारों के साथ पुलिस फोर्स की तैनाती कब्रिस्तान प्रबंधक ने किया था विरोध। सीएम योगी ने आज बुलंदशहर हाथरस गौतम बुद्ध नगर का कार्यक्रम रद्द किया, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के चलते बदला कार्यक्रम। शराब नीति मामले में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी का समन, शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप। आज कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन, 1800 करोड़ के इनकम टैक्स नोटिस का विरोध। सीपीआई को इनकम टैक्स नोटिस पर डी राजा का बयान, सीपीआई पार्टी को पुराने पैन कार्ड के इस्तेमाल के चलते नोटिस मिला। बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन में बढ़ी खींचतान, पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, 2 अप्रैल को भरेंगे नामांकन। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान, 6 अप्रैल को असम दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नागपुर सेंट्रल इलाके में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का रोड शो, नागपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार। आज पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, सीएम बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया जाएगा भारत रत्न, राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह, लालकृष्ण आडवाणी को भी मिलेगा सम्मान। यूपी के देवरिया में आज सुबह बड़ा हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 1 महिला समेत 3 बच्चे शामिल। कोटा में फैक्ट्री गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा सामान जलकर खाक, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ बारिश, गंगोत्री धाम में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी।